खोनोमा गांव बस 20 किलोमीटर दूर है नागालैंड के कैपिटल कोहिमा से, पर गाड़ी से पहुंचने के लिए आपको 1 घंटे लग सकते हैं। गांव की एक रोड की साइड पर आपको ये मेमोरियल दिखेगा। नागा इंडियन नहीं है और ये टेरिटरी इंडियन यूनियन का भाग नहीं है। हम इस अनोखे सच का बचाव हर हालत में करेंगे, पर हर दम करेंगे। मणिपुर में आज सेना के काफिले पर हुआ हमला। सेना के काफिले पर इतने बरसों बाद कोई हमले की बात आई है सामने। 5 जून 2015 को इंडियन आर्मी की डोगरा रेजिमेंट का एक कॉन्वॉय मणिपुर के चंदेल डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा था, जब उनकी कॉन्वॉय के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इस अटैक में 18 जवान मारे गए। ये लास्ट 20 सालों में इंडियन आर्मी पर सबसे खतरनाक अटैक था। नॉर्थ ईस्ट में एक इंसर्जेंट ग्रुप जो नागा हिल्स की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहा है, NSCNK, उन्होंने इस बॉम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। अब अगर हम 5 साल जंप करेंगे तो अगस्त 2020 को NSCNIM, जो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल रिबेल ग्रुप है नागालैंड का, उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रिलीज किया, जिसको उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किया था 2015 में। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट एक अग्रीमेंट था इस रिबेल ग्रुप और इंडियन गवर्नमेंट के बीच कि अब वो एक दूसरे के खिलाफ हिंसा बंद कर देंगे। और यही चीज नागालैंड की कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। 2 इंसर्जेंट ग्रुप है, दोनों ये कहते हैं कि वो नागा हिल्स की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, एक इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट कर रहा है और दूसरा इंडियन आर्मी के खिलाफ बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। नागालैंड की कहानी इंडिया के सबसे लंबी इंसर्जेंसी की कहानी है, जो कश्मीर की इंसर्जेंसी से भी ज़्यादा पुरानी है, और यही इस वीडियो का विषय है। Insurgency will be met with force and with strength. There can be no softness. पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। नागालैंड का भी विकास हो और हिंदुस्तान का भी विकास हो, उस एक सपने को लेकर के नई यात्रा का प्रारंभ किया। हम में से कुछ ये नहीं जानते होंगे, लेकिन नागालैंड के निवासी होमोजेनस लोग नहीं हैं। इनफैक्ट वहाँ 16 अलग अलग रिकग्नाइज ट्राइब्स हैं, जिनमें से 2 नॉन नागा ट्राइब्स हैं, और इन सब की अलग लैंग्वेज और कल्चर है। नागा नेशनलिस्ट नागा रेजिस्टेंस की शुरुआत 13 सेंचुरी से बताते हैं, हालांकि मॉडर्न रेजिस्टेंस को हम 20th सेंचुरी तक ट्रेस कर सकते हैं। 1824 में पहली एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के महत्वपूर्ण हिस्सों पर कंट्रोल जमा लिया। नागा हिल्स भी उनमें से एक था। 20th सेंचुरी तक नागा ट्राइब्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते थे, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन ट्राइब्स में एक यूनिटी की फीलिंग आ गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने 2000 नागा सोल्जर्स को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए फ्रांस भेजा। जब वो वहां से वापस आए, इन वॉर वेटरन्स को रियलाइज हुआ कि नागा ट्राइब्स का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से कोई लेना देना नहीं है। 1918 में इन अलग अलग ट्राइब्स के मेंबर्स ने नागा क्लब एस्टैब्लिश किया, और इसमें एक चीज सबसे बड़ा यूनाइटिंग फैक्टर थी जो इनको बांध के रख रही थी। क्रिश्चियनिटी। 1840s में नागालैंड के लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में पता चला, एक्सपोजर मिला, जब अमेरिकन बैप्टिस्ट नागा मिशन के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पहुँचे। तो जब 1929 में साइमन कमीशन इंडिया आया, और ये वही साइमन कमीशन है जिसके बारे में आपने स्कूल हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा, नागा क्लब ने कहा कि वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बनने की बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहना चाहेंगे। उन्होंने लिखा कि उनकी लैंग्वेज मेनलैंड इंडिया से एकदम अलग है, ना उनकी हिंदूज या मुस्लिम से कोई समानता है, और उनको नीचा दिखाया जाता है उनके बीफ और पोर्क खाने की वजह से। और इसीलिए जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, नागा हिल्स को एक्सक्लूडेड एरियाज के अंदर रखा गया। फिर जैसे जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल स्ट्रांग होती गई, नागा क्लब ने भी साथ में अपने आप को एक फॉर्मल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, नागा नेशनल काउंसिल, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था अपने लिए एक अलग देश इस्टेब्लिश करना। मगर हर पॉलिटिकल आउटफिट की तरह नागा नेशनल काउंसिल में भी कुछ मॉडरेट्स थे और कुछ एक्सट्रीमिस्ट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हीं मॉडरेट्स में से टी साखरी और TN अंगामी से बातचीत बढ़ाई, जिसकी वजह से जून 29, 1947 को नागालैंड ऑन पेपर अब इंडियन यूनियन का पार्ट था।
अब अगर किसी को बहुत ही सिंपल कहानी बतानी होती कि नागालैंड इंडिया का कैसे हिस्सा बना, तो वो इधर कहानी को बंद कर देते। पर एक्चुअल कहानी नागालैंड की इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। याद है कि हमने मेंशन किया था कि एनएनसी में एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी हैं। अब हमारी कहानी में एक और किरदार शामिल होते हैं, अंगामी ज़ापो फिज़ो। फिज़ो पूरी तरह खिलाफ थे कि नागालैंड इंडिया का हिस्सा बने। एक टाइम पर उन्होंने कहा था कि वो गोरो की सरकार को एक काली सरकार से रिप्लेस नहीं करना चाहते। नागालैंड की इंडिपेंडेंस के लिए फिज़ो ने महात्मा गांधी से भी मुलाकात करी और उनके हिसाब से महात्मा गांधी ने उस मीटिंग के दौरान उनको कहा कि अगर नागाज इंडिया को नहीं ज्वाइन करना चाहते तो कोई उनको मजबूर नहीं करेगा, और अगर भारत मिलिट्री यूज करने की कोशिश करता है तो नागा लोगों से पहले गांधी जी खुद गोली खाएंगे। पर पंडित नेहरू और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस बात के खिलाफ थी। नेहरू ने तो अगस्त 1946 में लिखा था कि एक इंडिपेंडेंट नागालैंड इंडिया और चाइना के दबाव की वजह से टिक ही नहीं पाएगा। पर फिज़ो के अलग प्लान थे। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था और इंडिया के अगले दिन की इंडिपेंडेंट सेलिब्रेशंस को बॉयकॉट कर दिया था। फिर 1952 में दो चीजें हुई जिन्होंने नागा मूवमेंट को पूरी तरह चेंज कर दिया। पहला कि एनएनसी ने एक प्लेबिसाइट ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने कहा कि 99.9% नागाज ने ये वोट किया कि वो नागालैंड को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, और दूसरा कि नागाज ने इंडिया के पहले जनरल इलेक्शंस को पूरी तरह बॉयकॉट कर दिया। इसलिए जब नेहरू नागालैंड आए 1953 में, बर्मा के प्रधानमंत्री के साथ नागा ने उनको बू किया और कई तो अपनी पीठ पलट के पंडित नेहरू के सामने चले गए इवेंट से। उसके बाद इंडियन ट्रूप्स को मोबिलाइज किया गया नागा हिल्स में एंटर करने के लिए, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए। ऐसी हालात के चलते जो एनएनसी के मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उनके बीच भी दरारें आ गई थी, और ये प्रॉब्लम और बढ़ गई थी 1956 में, जब मॉडरेट लीडर ई साकरी को फिज़ो के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने मार गिराया। फिर उसी साल फिज़ो ईस्ट पाकिस्तान के जरिए लंदन भाग गए, और इसके कुछ महीनों पहले उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड की फॉर्मेशन को अनाउंस किया और वो एक अंडरग्राउंड आर्मी कंट्रोल करने लग गए। जब नागालैंड में लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ने लग गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक और घोषणा करी। उन्होंने आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी कि अफ्सपा पास करी सितंबर 1958 में, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए। The Armed Forces Special Powers Act was passed on 11 September 1958. It was introduced to check violence in the northeastern states. 1956 और 1958 के बीच एक एस्टिमेट के हिसाब से 1400 नागा की मौत हुई। इस सिचुएशन की वजह से कई नागास जो एनएनसी में थे वो दूसरे सॉल्यूशंस के बारे में सोचने लग गए नागालैंड में पीस लाने के लिए। इसी वजह से कई नागा ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले और उन्होंने नागा पीपल्स कन्वेंशन बनाया। एनपीसी इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम करने लग गई और 1959 में उन्होंने एक प्रपोजल अडॉप्ट किया नागा हिल्स के लिए एक दूसरी स्टेट बनाने का, और नागालैंड इंडिया की ऑफिशियल स्टेट बन गई 1963 में। We have done as much as we can. I am really very happy that the government of India has helped us in many ways, not only giving the financial assistance, but they have also sent the technical people like the engineers, the doctors, and those who are expert. तो इससे पहले मैं नागालैंड का शब्द तो यूज कर रहा था, पर 1963 के पहले नागालैंड कोई रीजन था नहीं। उस रीजन को बुलाया जाता था नागा हिल्स। और ये कहानी थी कि नागालैंड एक स्टेट कैसे बनी इंडिया में। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप ऐसी कई स्टोरीज पा सकते हैं जहाँ डिफरेंट ग्रुप्स पावर के लिए लड़ रहे हैं, एक लीडर जो इंडियन गवर्नमेंट की डोमिनेशन नहीं चाहता, और एक नेशनल लीडर जो इस राजनीति को समेटने की कोशिश कर रहा है। ऐसी ही एक कहानी थी सिक्किम की, जिसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात करी थी। पर दुख की बात यह है कि ऐसी कहानियां ना तो हमें पढ़ाई जाती है स्कूल में और ना इसके बारे में हमें बताया जाता है। अब आप ऐसी कहानियां बुक्स में तो पढ़ सकते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि सिक्किम की इंटीग्रेशन के बारे में एक बहुत अच्छी बुक है, पर इसको कई सालों से बैन कर दिया था इंडिया ने। इसी वजह से एक रिसोर्स जो आप कंसिडर कर सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के बारे में और समझने के लिए, वो है ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट जैसे इंडिया अनकवर्ड, जो कुकू FM ऐप में पाया जा सकता है, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। इंडिया अनकवर्ड के शो में 11 एपिसोड है और 11 में से 3 इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर डेडिकेटेड है उनकी कहानियों के बारे में। और ये शो और भी कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करता है, जैसे सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में तालमेल कैसा था, और इंडिया की नक्सल इंसर्जेंसी स्टार्ट कैसे हुई। और कुकू FM में ऐसे कई पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स है। इसका प्राइस है ₹399 एक साल के लिए, यानी कि करीब ₹1 पर दिन, और इस दाम से आप हजारों ऑडियो बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको 20% डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप कूपन कोड MOHOK20 यूज करेंगे। इस ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इसके बावजूद कि नागालैंड एक ऑफिशियल इंडियन स्टेट बन गई थी, एनएनसी अपना मिशन कंटिन्यू करना चाहते थे। इसीलिए 1960s में एनएनसी के कुछ काडर चाइना भी गए थे उनकी आर्मी से ट्रेनिंग सीखने के लिए और हथियार लाने के लिए। पर एनएनसी में जो डिफरेंट ट्राइब्स थी उनके बीच में तनाव आने लगा। जैसे हमने पहले बताया था कि नागा लोग सारे एक समान नहीं है, बल्कि नागा में कई ट्राइब्स है। तो इन ट्राइब्स के बीच में कई बार तनाव पैदा हो जाता है इस बात से कि किस ट्राइब का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होगा। और इंदिरा गांधी की सरकार ने इन्हीं ट्राइबल डिविजन्स की एडवांटेज ली और इंडियन सरकार नागालैंड के कई की प्लेयर्स के साथ बात करने लग गई, जो या तो तंग आ गए थे ये ट्राइबल डिविजन से या फिर नाखुश थे कि एनएनसी कम्युनिस्ट चाइना का सपोर्ट ले रहा था। इसीलिए 11 नवंबर 1965 को शिलोंग अकॉर्ड साइन हुए थे एनएनसी के कुछ अंडरग्राउंड लीडर्स के बीच और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच। इस अकॉर्ड के चलते इन अंडरग्राउंड लीडर्स को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करना था और नागालैंड की इंडिपेंडेंस की मांग त्यागनी थी। पर वो एनएनसी लीडर्स जिन्होंने चाइना के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे वो शिलोंग अकॉर्ड के खिलाफ थे। इसीलिए उन्होंने एनएससीएन की स्थापना करी म्यांमार में 1980 में और उनकी डिमांड थी एक ऐसा देश जो बस नागास के लिए होगा, द ग्रेटर नागालैंड। अब इस ग्रेटर नागालैंड की मांग में बस नागालैंड का एरिया नहीं है बल्कि वो सभी एरियाज है जहाँ नागा रहते हैं। जैसे एनएससीएन के हिसाब से असम, अरुणाचल और मणिपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी इसमें शामिल होंगे। इन स्टेट्स में कई नागाज रहते हैं और वो नागा आइडेंटिटी के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं और ना कि अपनी स्टेट की आइडेंटिटी से। मैं जी जा कोई की गली शिला को सानु सखने हम का तो जाकला नागा जी कोई जा मैं जी ना किगम जी ना। उनका मानना है कि इन राज्यों में उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और इन टेंशन की वजह से कई बार एक्सट्रीम वायलेंस भी देखने को मिला है। 13 सितंबर 1993 में नागा मिलिटेंट्स ने 100 से ज्यादा कुकी सिविलियंस को मार गिराया था मणिपुर में। इस वायलेंस की वजह से ही एनएससीएन ग्रेटर नागालैंड की डिमांड कर रहा है ताकि नागास को अपनी एक अलग कंट्री मिल जाए। पर एनएससीएन भी उसी चीज का शिकार हुई जिसका कई नागा ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, ट्राइबल राइवलरी, जिसकी वजह से एनएससीएन 1988 में स्प्लिट हो गई। 1990s में एनएससीएन आईएम के टॉप लीडर्स थाईलैंड चले गए, पर इसके बावजूद इंडियन सरकार उनके साथ कंटिन्यूसली संपर्क बनाए रखी। जैसे पीवी नरसिम्हा राव उनसे मिले 1995 में, देवे गौड़ा मिले 1997 में और अटल बिहारी वाजपेयी उनसे मिले 1998 में। पर इस बातचीत के ही चलते इंडियन सरकार ने दो सीज फायर अग्रीमेंट्स करे दोनों ग्रुप के साथ, पर वायलेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। मणिपुर में आज सेना के काफिले पर हुआ हमला। सेना के काफिले पर इतने बरसों बाद कोई हमले की बात आई है सामने। जैसे हमने पहले बात करी थी कि एनएससीएन के ने एक अटैक किया था इंडियन आर्मी पर 2015 में और इन दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे के खिलाफ भी अटैक्स करे हैं। अब ऐसे अटैक्स तो हुए हैं पर दो सीज फायर अग्रीमेंट्स के बाद नागालैंड की सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई है। और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कारण है कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स के लीडर्स हैं वो बहुत आराम की जिंदगी जी रहे हैं सीज फायर अग्रीमेंट के बाद। जैसे मेक पीस सीतू, जिन्होंने 52 न्यूज वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने कहा कि उन लीडर्स के लिए जंगलों में लड़ाई करना अब ऑप्शन नहीं है क्योंकि सीज फायर की वजह से वो एक मौज की जिंदगी जी रहे हैं वसूली, ड्रग्स और गवर्नमेंट पैकेजेस के जरिए। अब मोदी सरकार इस पूरे मामले को परमानेंटली खत्म करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने एनएससीएन आईएम के साथ एक और अग्रीमेंट किया। एनएससीएन के साथ उन्होंने कोई भी अग्रीमेंट नहीं किया जब से उन्होंने सीज फायर अग्रीमेंट तोड़ा था 2015 में आर्मी के खिलाफ अटैक करके। एनएससीएन आईएम के साथ एक अग्रीमेंट करना भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिबेल ग्रुप है नागालैंड में और जैसे प्रधानमंत्री ने 2015 में कहा था इस सीज फायर अग्रीमेंट के ऊपर कि ये अग्रीमेंट दूसरे छोटे ग्रुप्स के लिए एक सिग्नल है कि उनको अपने हथियार छोड़ देने चाहिए। एनएससीएन के ने कहा तो जरूर कि वो एक सीज फायर अग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, पर ये अभी क्लियर नहीं है कि टोटल पीस कैसे आएगा नागालैंड, क्योंकि इस पूरी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। दोनों ही इंसर्जेंट ग्रुप्स की एक डिमांड है कि नागालैंड का अलग फ्लैग होना चाहिए और अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जो इंडियन सरकार नहीं चाहती। एक एनएससीएन आईएम के मेंबर को सजा भी दी गई थी जब वो इंडिया के झंडे के साथ पाए गए थे। इसी वजह से वही लीडर जिसकी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशंसा करी 2015 में, मैं एनएससीएन के जो कि इस इलाके का सबसे बड़ा प्रमुख संगठन रहा है,
उनके नेताओं का आज हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और श्रीमान मुइवा जी, उन्होंने ये कहा कि नागास कभी भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Our constitution must be ours. We cannot demand our constitution or flag or this or that from others. No, it is all right to have. That's your position. और जहाँ इंडियन सरकार और आर्मी एक तरफ है और इंसर्जेंट ग्रुप्स दूसरी तरफ है, इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा भुगत रहे नागालैंड के कॉमन लोग। इंसर्जेंसी की वजह से उधर की इकोनॉमी पर इतना ध्यान ही नहीं दिया जाता। जैसे नागालैंड में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 2018 में नागालैंड की बेरोजगारी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा थी, और क्योंकि नागालैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसलिए उन लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है नौकरी के। और किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, तो कम्युनल प्रॉब्लम्स का बाहर आना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, पर ऐसा ही नागालैंड में हो रहा है। नागालैंड में कई ग्रुप्स कंप्लेन कर रहे हैं कि बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन हो रही है नागालैंड में। बांग्लादेशी यूजुअली मैनुअल लेबरर का काम करते हैं जो लोकल नागा लोग नहीं करना चाहते। उन ग्रुप्स का मानना है कि असम के जरिए इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए आसान हो गया नागालैंड में आना, पर इस पॉलिटिक्स की वजह से कई इंडियन मुस्लिम भी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनमें से कई लोगों ने एक लोकल नागा महिला के साथ शादी करी है और नागा ट्राइब्स चिंतित हैं कि इसकी वजह से नॉन नागास के साथ कॉम्पिटिशन उनका बढ़ जाएगा। इसके अलावा कई नागालैंड के नागरिक ह्यूमन राइट वायलेशन से भी गुजर चुके हैं। ऐसे लोकल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने दावा किया है कि अफ्सपा की वजह से इंडियन आर्मी ने नौजवान लड़कों को टॉर्चर किया है, महिलाओं को रेप किया है, और वो लोग जो ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनको जेल में डाला है। तो नागालैंड में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है, डिफरेंट नागा ट्राइब्स एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं इन्फ्लुएंस के लिए, और फिर ये नागा ट्राइब्स नॉन नागास के साथ भी लड़ रही हैं स्टेट की रिसोर्सेज के लिए, जिसका मतलब है कि नागालैंड के यूथ का भविष्य दांव पर लग रहा है, और ये भविष्य तब तक ठीक नहीं होगा जब तक नागालैंड की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती।